हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। सो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, इसके ज़्यादा बच्चों ने आंसर नहीं किया और आई थिंक आप लोगों को इसमें ईयर में दिक्कत होगी, लेकिन इसमें कुछ बच्चों ने आंसर किया था, उनका बिल्कुल ठीक है। तो इसमें देखिए, रोड एंड जो ये वाला बुक है इनका, इसका ईयर होगा 1944। मैं लिख देती हूँ अगर आपको इसमें ईयर में प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग लिख लेना। और कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो बुक है इनकी, ये है 1960 की, ठीक है। ये कब की है? 1960 की बुक है। उसके बाद अगर आप देखो, फिर आती है आपकी रूल एंड ऑर्डर, है ना। जो रूल एंड ऑर्डर हो जाएगी बेसिकली आप लोगों की, ये है 1978 की। ठीक है, ये 1978 की है, सॉरी, रूल एंड ऑर्डर, ठीक है, ये वाली। और इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ, द मैरिज ऑफ सोशल जस्टिस। ये रोड टू सेल्फ फ्रीडम ना, ये वाली एक बार दोबारा से लिख लो। वैसे ठीक है, 1944 ठीक है इसका, है ना, ठीक है। वैसे इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैरिज ऑफ सोशल जस्टिस वाला। इसका राइट आंसर जो होगा बेसिकली वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे पहले डी आएगा, ये वाला 44 वाला, ठीक है। उसके बाद फिर 3, फिर ये 1, फिर लास्ट में आएगा 2, द मैरिज ऑफ सोशल जस्टिस। तो ध्यान रखिएगा, मैरिज ऑफ सोशल जस्टिस का ईयर लिख लीजिए। इसका ईयर जो होगा बेसिकली वो होगा, हो जाएगा 1973। कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर एंड बुक्स दे रखी हैं, ठीक है। सैंडल हैं, वॉल्जर हैं, किमलिका हैं, बर्नस्टीन हैं, बुक साइड में दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर देखिए, माइकल सैंडल, है ना, जो माइकल सैंडल हैं बेसिकली। तो इनकी बुक कौन सी हो जाएगी? इनकी बुक हो जाएगी आपकी लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, है ना। वॉल्जर की होगी स्पीयर ऑफ जस्टिस, किमलिका की हो जाएगी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, और बर्नस्टीन की होगी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन कहता है, ग्रेट पॉलिटिकल थ्योरीज ऑर्गेनाइज्ड सेबाइन पुट इन द इंटरेस्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस। रीजन कहता है, देयर इज अ नो डिस इंटरेस्टेड पॉलिटिकल थ्योरी। हिंदी देखनी है, आप हिंदी देख सकते हो। महान राजनीतिक सिद्धांत सेबाइन के रूप में उत्पन्न हुए, इसे राजनीतिक और सामाजिक संकटों के बीच में रखा गया। कारण कहता है, इसमें कोई उदासीन राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आमंड एंड वर्बा, ठीक है, द इंडिविजुअल इन अ पैरोकियल कल्चर हैव लो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, अफेक्टिव ओरिएंटेशन अबाउट द सिस्टम, एवोल्यूटिव ओरिएंटेशन अबाउट द सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। हिंदी देख सकते हो। पारलौकिक संस्कृति में व्यक्ति कम होते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, जो पैरोकियल कल्चर होता है बेसिकली, उसमें कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होता है ना, अफेक्टिव और एवोल्यूटिव। नेक्स्ट, ब्लॉक वोट सिस्टम को और क्या बोलते हैं? ब्लॉक वोट सिस्टम को फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, लिमिटेड वोट सिस्टम बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, या लिस्ट सिस्टम बोलते हैं। हिंदी देख सकते हो। ब्लॉक वोट सिस्टम राइट आंसर इज फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अमेरिकन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इन केस नो कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड मेजोरिटी द डिसीजन इज रिफर टू। अगर मान लो अमेरिकन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट रिक्वायर्ड मेजोरिटी सिक्योर नहीं कर पाता, तो डिसीजन किसके पास होगा? हिंदी देख सकते हो। राइट आंसर इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। अकॉर्डिंग टू एसपी हंटिंगटन पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेक प्लेस व्हेन मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन लेजर देन देयर इज अ रिजिडिटी इन द इंस्टीट्यूशन, देयर इज अ नो जनरेशनल चेंज इन द इंस्टीट्यूशन। हिंदी सॉरी, राइट आंसर इज लेजर देन। ठीक है, यहाँ पर देखो, जब जब डेवलपमेंट आएगा ना एक तरह से, तो यहाँ पर लेजर देन होगा, जब डिके आएगा तो यहाँ पर ग्रेटर देन होगा। देखिए यहाँ पर मॉडल्स दे रखे हैं, है ना, तो ये देखो फटाफट। यहाँ पर देखिए पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल का क्या होगा, पहले हिंदी देख लो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? क्योंकि देखो आइडियोलॉजिकल हो जाएगा, आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजी से आइडियोलॉजी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डी का क्या होगा? सी होगा, तो डी का सी है बी में, नहीं मेरे से गलती से हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, एक ही में दे रखा है ना सी। पार्टी आइडेंटिफिकेशन मॉडल का क्या होगा? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू पीपल। सोशोलॉजिकल मॉडल का लिंकिंग वोटिंग बिहेवियर, है ना। नेशनल चॉइस मॉडल का वोटिंग आ नेशनल ऑर्डर, यहाँ पर नेशनल नेशनल से भी कर सकते थे आप इसे। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो सारे बच्चे। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफाइड एंड डिवाइडेड गवर्नमेंट इनिशिएट इन्वेंट किया था यूएसए में। डिवाइडेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है? प्रेजिडेंसी इज हेल्ड बाय वन पार्टी, सीनेट ऑफ कांग्रेस इज कंट्रोल बाय अदर पार्टी। Presidency is held by one party, House of Representative of Congress is held by another party. Presidency is held by one party and both the chamber of Congress are controlled by other party. Presidency and both the chambers of Congress are under the control of same party. Right answer देखिए options यहाँ पर दे रखे, हिंदी देख लो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर जो डिवाइडेड गवर्नमेंट का मतलब है, प्रेसिडेंसी इज हेल्ड बाय वन पार्टी, सीनेट एंड कांग्रेस, है ना, सीनेट ऑफ द कांग्रेस इज कंट्रोल बाय अदर पार्टी। प्रेसिडेंसी इज हेल्ड बाय वन पार्टी, है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस हेल्ड बाय अदर पार्टी। प्रेसिडेंसी इज हेल्ड बाय वन पार्टी, बोथ द चैम्बर ऑफ कांग्रेस आर कंट्रोल बाय अदर पार्टी, लेकिन सेम पार्टी नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आपका, कि कौन जो है रिगार्ड करता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एज अ मॉडर्नाइजेशन प्लस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। आमंड, हेलियो जैक्रिप, सीरियल ब्लैक, या फिर सीरियल ब्लैक, या नन ऑफ द अबव।
सो जल्दी से आंसर करना है आपको। इसके साथ साथ मेरा अनअकैडमी पे कोर्स चल रहा है, ठीक है, रैपिड रिवीजन कोर्स 11 AM, स्पेशल क्लासेस 4 PM हो रही है, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहता है आ सकता है। देखिए वॉरियर टेस्ट है NTUGC नेट पर, 11 तारीख को होगा 8 PM, ठीक है। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जयदेव क्लासेस फॉर JRF, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वहाँ पर मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे सीधा आप टेस्ट पे पहुँच जाओगे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए और यूज़ करना मीनाक्षी लाइफ अनअकैडमी आप अगर पहली बार आप करते हो डाउनलोड। रिवीजन सीरीज़ MCQs पर 4 PM हो रही है, मॉक टेस्ट हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पर संडे वेडनेसडे 8 PM, ठीक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन देखिए, आपको जितना ये प्राइस दिख रहा है उतना नहीं देना होता, आप जब रेफरल कोड लगाओगे मीनाक्षी लाइफ तो 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। जैसे ये 14,500 वाला 12,000 समथिंग का पड़ जाएगा, तो यूज़ करना मीनाक्षी लाइफ फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।